और देश को आजादी दिलाने तक की कहानी की पहली नींव भारत से दूर दक्षिण अफ्रीका में रखी थी, जहां गांधी जी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं अपनी हुकूमत पर लात मारी है, मैं इसका जवाब दूंगा, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बना। बापू, हमारे क्रोध की ज्वाला भड़क उठी है, हम अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद रहे कि आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देंगे, हम इसका जवाब देंगे और हमारी अहिंसा की गूंज इनके हिंसा के शोर से कहीं ज्यादा ताकत होगी। नहीं बापू, अब खून का बदला खून से होगा, चलो सब लोग। खून करना है तो करो, प्रहार करना है तो करो, मगर उनकी सोच पर, उनके विचारों पर, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। हम असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे, आज से हम विदेशी कपड़े त्याग देंगे और सिर्फ खादी ग्रहण करेंगे। नमक कर कानून लगाकर वो अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक कर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। बापू, जिन अंग्रेजों ने हमारा नमक खाया, हम पर आज नमक कर कानून लगाकर वो अपनी नमक हरामी पर उतर आए हैं। नमक कर कानून लगाकर उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। हम दांडी तक मार्च करेंगे और वहां जाकर नमक बनाएंगे। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाला और 400 किलोमीटर तक पैदल चले। चले गांधी जी, लेकिन पसीने अंग्रेजों के छू। हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हमारे देश का नमक हमारे खून में दौड़ रहा है और जो हमें उससे अलग करने की कोशिश करेगा, हम अपनी आवाज से उसका नामो निशान मिटा देंगे। हम करोड़ों जरूर हैं, मगर हमारी आवाज एक है। गांधी आंदोलन की सफलता से अंग्रेज बुरी तरह चिढ़ गए थे और उन्होंने गांधी जी को 6 सालों के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। पहले वो आप पे ध्यान नहीं दे, फिर वो आप पे हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुमको माला माल करेंगे, वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके इस जमीन में काट देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले कांपेगा। तुम्हारे लिए तो
क्रांति काफी है।